Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
कुछ दिन पहले पूज्यपाद भक्त विदान शीतल महाराज जी के मुखारविंद से श्री भागवत कुछ रमन किया यहीं पर। बड़े सुंदर रूप से महाराज जी ने समझाया बहुत कुछ। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री महाराज जी के मुखारविंद से सुनने को सौभाग्य मिला। ये अभी जो है कुछ ही दिन में श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा भी होने वाला है, फिर साथ में ही रथ यात्रा भी होने वाला है, ठीक है। तो श्री जगन्नाथ जी की विशेष महिमा जो कि ब्रज से जुड़ा हुआ है, हम लोग थोड़ा बहुत स्मरण करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी जो हैं जगत के नाथ हैं, विशेष रूप से जिस स्थिति में उनका स्थापना हुआ, देवता ने ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने प्रतिष्ठित की स्नान आदि के द्वारा, सारी तीर्थों से जल जो लाया गया, उसी दिन को ही प्रतिष्ठा दिवस को ही स्नान यात्रा कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग मनाएंगे बड़े धूमधाम से और कार्यक्रम जो है बहुत जल्दी ही घोषणा किया जाएगा। तो आज भी ये नियम है, सारे तीर्थों से जो है जल लाया जाता है और जगन्नाथ जी को साक्षात उनके मूल विग्रह को बाहर लाया जाता है और बड़े सुंदर रूप से स्नान इत्यादि कराया जाते हैं। जगन्नाथ जी की बड़ी चमत्कार पूर्ण परमाभूत लीलाएँ हैं और स्वयं ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने जगन्नाथ जी को स्थापना की, ठीक है। तो श्री जगन्नाथ जी की ये तिथि जिस दिन उनकी स्थापना हुई, वो तिथि को जो है स्नान यात्रा इत्यादि कहते हैं। और जो रथ यात्रा है, श्री गुंडीचा माता ने प्रार्थना किया उनसे, मैं तो दूर रहूँगी, उससे मिलने के लिए आप जरूर वहाँ पर आए। तो तब से जगन्नाथ जी जो हैं रथ में बैठ के 9 दिन के लिए श्री गुंडीचा माता के पास जाते हैं, जहाँ पर वो विराजमान हैं, दर्शन देते हैं और सब कुछ करते हैं। किंतु ये तो एक व्यवहारिक रूप से चल रहा था, कोई किसी को पता नहीं था इसके पीछे वास्तविक मतलब क्या है या भावना क्या है। चैतन्य महाप्रभु जी ने 500 साल पहले जगन्नाथपुरी धाम में संन्यास लेने के बाद श्री जगन्नाथपुरी धाम में गए निवास करने के लिए सची मैया के कहने पर, तो तब जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम इस निगूढ़तम विचार को व्यक्त किया, ठीक है। विशेष करके उसके पहले तक गुंडीचा मंदिर का मार्जन जो है साफ किया जाता है, मंदिर को साफ किया जाता है ताकि जगन्नाथ जी वहाँ आकर के जो है बैठ सके। किंतु वो तो राजा के कर्मचारी जा कर के थोड़ा बहुत साफ सफाई कर देते थे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नहीं, मुझे वो सेवा अब दे, ठीक है। तो राजा काशीश्वर मिश्र जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, सभी लोग बड़े दुखी हुए कि आप जैसे सन्यासी के लिए ये काम शोभा नहीं दे रहा है। महाप्रभु ने कहा नहीं, देना तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मुझे वो सेवा चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु जी के बार बार प्रार्थना करने पर राजा ने जो है काशीश्वर मिश्र जी के माध्यम से सेवकों को भेज के सारा सामान इत्यादि ला करके दिया और चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं श्री गुंडीचा मंदिर का मार्जन इत्यादि उन्होंने सब कुछ किया स्वयं, और सभी भक्तों को भी लगाया, स्वयं भी मार्जन किया और सभी भक्तों को भी लगाया। जिसके पीछे जो रहस्य है कि महाप्रभु ने क्यों इस प्रकार से किया, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तात्पर्यों को समझाया। तरह तरह के पहले महाप्रभु ने सफाई की, जितने गंदगी है, कूड़ा है, करकट है, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके सफाई की। फिर धूल मिट्टी को
धूल मिट्टी के साफ करने के बाद फिर दोबारा जिन चैतन्य महाप्रभु जी ने साफ कर साफ किया, तब बड़े बड़े जो कंकड़ आदि जो भी हैं उन सबको भी साफ किया सारा, तो भी पूरा सफाई नहीं हुई तो जल दे करके सबको धोया। तो इन सब के पीछे विशेष कोई रहस्य है, विशेष कोई बात है जो जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो विशेष करके जो हमारे जो अनर्थ समूह हैं और वैष्णव और नाम अपराध रूपी दोष समूह हैं, उन सब चीज़ों को महाप्रभु जी ने तरह तरह से उसको सफाई किया। पानी देके भी जब साफ नहीं हुआ है तो कपड़े दे करके रगड़ रगड़ करके उन सब चीज़ों को साफ करने के लिए चेष्टा किया। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने दिखाया यदि यदि हृदय रूपी मंदिर में ठाकुर जी को यदि हमें बसाना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। वहाँ पर उस स्थान को हमें वृंदावन बनाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है सुंदर सुशीतल स्निग्ध स्थान हमें बनानी होगी, तब जा कर के जो है प्रभु श्री जगन्नाथ जी श्री कृष्ण वहाँ पर सुखपूर्वक सदाकाल के लिए निवास इत्यादि कर पाएंगे। ये पद्धति ये विधान चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया। और विशेष करके जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए क्यों यहाँ आते हैं, ये बड़ा ही निगूढ़ विचार है शास्त्रों का। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका उद्घाटन किया, खोला, समझाया, जगत को ये रत्न दिया, ये विचार रूपी संपत्ति जो है इस जगत में उन्होंने बांटा, जो कि इस गौड़ीय धारा की बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं। कृष्ण जो हैं ब्रजवासियों से मिलने के लिए गुंडीचा रूपी सुंदराचल या वृंदावन में जाते हैं, वहाँ पर 9 दिन तक ब्रजवासियों के साथ गोपियों के साथ उनकी सेवा को ग्रहण इत्यादि करते हैं, खो जाते हैं, भूल जाते हैं सब चीज़ों को। इस महिमा को महाप्रभु ने दिखाया, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र से जो है राधा जी ने श्री कृष्ण को मन रूपी रथ में बिठा करके वृंदावन लाए, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी भी श्री कृष्ण को मन रूपी रथ में बिठाते हुए नृत्य कीर्तन आदि के साथ उनको श्री गुंडीचा मंदिर या सुंदराचल या वृंदावन तक उनको पहुँचाते थे। यही भावना से बड़े ही सुंदर सुंदर बातें हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है तो संक्षेप में यही, और ये बड़ी विशेष तिथियां हैं, रमन बिहारी में मनाया जाएगा, 14 तारीख को स्नान यात्रा है और उसके बाद 1 जुलाई को रथ यात्रा है या शाम के समय के कार्यक्रम होंगे, रथ भी खींची जाएंगे, सब कुछ जो है किया जाएगा सारी चीज़ें। इस प्रकार से जो है सब कुछ सारा कुछ जो है जगन्नाथ जी की जो महिमा है उसके लिए किया जाएगा। जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे वो लोग यहीं पर रहते हुए वैष्णवों के मुकारम से उन सब की महिमा का श्रवण अवश्य ही करते हुए मनी मन भावना के साथ रथ यात्रा का पालन करें, स्नान यात्रा का पालन आप लोग कर सकते हैं। संक्षेप में यही चैतन्य महाप्रभु की विचार, यही श्री जगन्नाथ जी के विचार को संक्षेप में कहने का प्रयास किया। बोलो जगन्नाथ जी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, रथ यात्रा प्रसंग की जय, गौर प्रेमानंदे। सारे बोल दिए, हाँ बोल दिए, कुछ है नहीं बोल दिए। हरे कृष्ण। अभी अभी हमारे जो पद्मनाभ महाराज जी ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहले उड़ीसावासी जो हैं उन्होंने ये रथ यात्रा का उद्देश्य क्या कहते थे,
बोलते हैं कि जगन्नाथ जी पीठा पाना खाने के लिए जाते हैं मौसी जी के घर। ये शब्द एक्चुअली मोहिषी, मोहिषी मतलब राज रानी, उसको अपभ्रंश होके मौसी कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं मासीर बाड़ी मासीर बाड़ी ना, मासी यानी मौसी जी। एक्चुअली मौसी शब्द मोहिषी शब्द से आए, और मोहिषी मतलब जो राज रानी। तो इस तरह से उड़ीसा वासी लोग पहले कहते थे कि जगन्नाथ जी जहाँ पे है अभी मेन टेंपल में, उसको नीलाचल कहते हैं, ध्यान से सुन। और जो जहाँ जाते हैं रथ, वो है को क्या है, सुंदराचल। अभी महाराज जी ने जो बताया, सब कुछ जो है भावना का खेल है, ठीक है ना। हमारी भाव शुद्धि नहीं है, अब कुछ भी कर लो, जहाँ थे अब वहाँ ही है ना। इसको इधर कर दो, कहाँ गए हो, पैसा काटो भाई, नौकरी ठीक नहीं कर रहा है ओ भाई। तो ऐसे कहते हैं, यहाँ बैठे रहे भाई। तो महाप्रभु जब आए 536 साल पहले, तब महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की भाव संपूर्ण रूप से बदल दिए। संपूर्ण रूप से क्या किया, बदल दिया। उन्होंने जगन्नाथ जी का जो मेन टेंपल है उनको नीलाचल बताया, यानी द्वारकापुरी, और जो महिषी जी के घर गंडीचा मंदिर, वह है सुंदराचल यानी वृंदावन। क्या भाव है, भाव ये है जो हमारे जो प्राणनाथ है वृंदावन छोड़ के आ गए, उनको कहाँ ले जा रहे हैं, हम वृंदावन में ले जा रहे हैं, ये भावना। कोई कोई वैष्णव लोग क्या करते हैं, जो वापिस जो पुनर्यात्रा है उसमें जाते नहीं है, क्यों बोलता, हम जगन्नाथ जी को हमारे प्राणनाथ को वृंदावन में ही रह रहे थे, वृंदावन से लाते नहीं है। लेकिन ये बात सही नहीं है, हमारी जो भाव है हमेशा तो राधा कृष्ण वृंदावन में ही है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी लीला चल रही है, तो जब तक वहाँ पर आप कम से कम कितने दिन, 15 दिन नहीं रहेंगे है ना, और वहाँ के जो भक्तों के साथ में बातचीत नहीं करेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, तो समझ में नहीं आएगी। और भी अंदर भी बहुत लीलाएँ हैं, अनवरसर काल क्यों होता है ना, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन बंद हो गया, जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे सर्दी लग गई है, सर्दी लग गई हम दर्शन नहीं देंगे। तो ये सब पीछे बहुत गोपन कथाएं हैं, लीला है। ये अक्षय तृतीया से शुरू होती है रथ बनाने के काम शुरू होता है, फिर रथ तब फिट हो जाता है, फिर स्नान यात्रा, फिर उसके 15 दिन बाद रथ यात्रा, फिर पुनर्रथ, फिर बीच में पांडु विजय होता है ना। लक्ष्मी जी बोलता हमारे प्राणनाथ कहाँ चले गए, वो फिर अटक करता है, बोला हमारे प्राणनाथ को छीन के लाए, फिर लड़ाई होती है, बोलता ठीक है आप लोग लड़ाई मत करिए, मैं जाता हूँ। तो 9 दिन के दिन जगन्नाथ जी वापस आए, फिर क्या होता है, फिर जगन्नाथ जी आते हैं, फिर नीलाद्री विजय होता है, नीलाद्री विजय होता है, फिर रथ तोड़ते हैं, फिर और एक ये होता है जिस दिन बहुत बड़ा भंडारा होता है, मटकी फोड़ते हैं, जगन्नाथ जी को बड़ा बड़ा रसगुल्ला खिलाते हैं। तो और एक है सोने का, सोना आवेश पहनते हैं। अब रथ यात्रा में जो भीड़ होती है, मैं एक बार गया था, उससे भी 2-4 गुण ज़्यादा भीड़ होती है सोनावेश, जिस दिन सोनावेश बनाया जाता है जगन्नाथ जी, यानी द्वारकाधीश बांध करके आते हैं। तो बड़ी वहाँ पर लीला हो रही है, जगन्नाथ जी साक्षात जो है वहाँ पे बैठे हैं। तो जगन्नाथ जी कौन है, हमारे
वासुदेव घोष ने कीर्तन लिखा, जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवन करे जाल चरण वंदन, नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदी आनगरे दंड कमंडलुक, केह बले पूरवेते रावण बधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। उसके बाद राधिकार भाव एवे गराय अवतार हरे कृष्ण महामंत्र करीला प्रचार। जानी यहाँ पे वासुदेव घोष जी बता रहे हैं जो ही महाप्रभु है चैतन्य महाप्रभु वही जगन्नाथ जी वही कृष्ण वही राम है ना होकर के जगन्नाथ जी वहाँ पे लीला रस आस्वादन कर रहे हैं है ना। ऐश्वर्य भाव में तो सेवा हो रही है लेकिन रथ यात्रा के समय माधुर्य भाव में आ जाता है ना, माधुर्य भाव में आ जाता है। और गुरु महाराज ने हम लोग क्या सिखाया, बोले कच्चा सिक्का में दो पहलू है, एक हेड और टेल। उसी प्रकार प्रेम में भी मिलन और विरह है ना, ये दोनों चीज नहीं रहेगी तो प्रेम होगा ही नहीं। इसलिए मिलन में जितने आनंद होता है उससे सगुण में करोड़ गुण में ज्यादा विरह में, विरह में हर सर्वत्र दिखते हैं दर्शन होता है और मिलन में केवल एक ही जगह में दर्शन होता है ना। हमें अभी हृदय में प्रेम नहीं है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु उस राधा भाव कांति लेकर के वही राधा भाव देने आए थे और कृष्ण के पाने के लिए राधा रानी की कृपा के बिना नहीं पा सकते है ना। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण विषय विग्रह है, वो भोक्ता है ना। राधा रानी क्या है, आश्रय विग्रह है, वो सेवा के मूर्ति है। निरंतर कृष्ण की सेवा कैसे होगी, प्रसन्न होगी, वो चिंतन करती है। तभी भगवान होकर के भी उनको पता, उनको पहचान है, बोलता हम भी राधा रानी की भाव चाहता भाव कांति चुराए, देखो इन दोनों का कितना प्रेम है। तो फिर राधा जी बोलते तुम जब कृष्ण विरह में धड़ाम से गिरोगे तो चोट आएगी, तो राधा रानी कृष्ण जो काले हैं उसके ऊपर राधा रानी खोदी सोने का रंग होकर के चढ़ गए, अगर चोट आएगी मैं प्रियतम को लागने नहीं दूंगी, मुझे चोट लागे। इसलिए इसको कहते हैं प्रेम है ना। प्रेम में केवल देना होता है, लेना नहीं होता। तो इस जगत में वो प्रेम हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ जो समझ में आया बता रहा हूँ, थोड़ी सी महाराज जी बताएंगे, उनका मुखर में श्रवण करेंगे अच्छा। जिस प्रकार एक माता बच्चा को गले लगाते हैं लगाती हैं तो उनको पुत्र सुख मिलती है, और पुत्र भी माँ के गले लगाते हैं तो उनको मातृ सुख मिलता है। इसका मतलब है कि इस जगत में एक दूसरे को सुख ले रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे अभाव होगा ही हो। जहाँ पे केवल लेला ही लेला है वहाँ पे तो खत्म एक दिन हो जाएगा ना, और भगवान की जगत में वहाँ लेना नेला है नहीं, केवल देना ही देना। ठीक है, आज यहाँ तक, फिर महाराज जी से सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा, एक बार हाथ उठा कर बोलो सब, बोलो हरे कृष्णा, बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा एक बार, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म
नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री पद्मनाभ महाराज श्री शांत महाराज अन्यान्य वैष्णव वैष्णवी सभी को भी यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, महाराज जी ये बता रहे थे ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की क्या रहस्य है, श्री जगन्नाथ जी क्यों एक मंदिर छोड़ करके वो क्यों दूसरे मंदिर में जाते हैं, इसका क्या रहस्य, ये बात वो बता रहे थे। कहते श्री जो सुंदराचल है जहाँ पर जाते हैं वो वृंदावन धाम है और कृष्ण रहते हैं कहाँ पर, द्वारका में, इसलिए इनकी बड़ी इच्छा होती है साल में एक बार जाऊं और श्री राधा रानी से मिलो, ब्रज गोपियों से मिलो, मैया जसोदा से मिलो, श्रीदाम वसुदाम मधुमंगल सखाओं से एक बार मिलो, सब ब्रजवासियों से एक बार मिल करके आऊं। इसलिए जगन्नाथ जी चाहते हैं साल में एक बार मैं वृंदावन जाऊं। इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, वो बहाना बनाते हैं, क्या किस चीज़ की बहाना बनाते हैं, बुखार की। देखना रथ यात्रा 15 दिन से पहले जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होता है, जगन्नाथ जी को इतने स्नान कराते हैं पानी में और चंदन अगुर कर्पूर से इतने स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी को बोले बुखार आ जाता है। भगवान को कोई बुखार आता है, जिनका नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाए उनको बुखार की इस चीज़ के, जगन्नाथ जी एक बहाना बनाते हैं बुखार की। लेकिन ये तत्वतः क्या है, बोले तत्वतः जैसे एक पति का अगर दो पत्नी हो, अगर अलग अलग कहीं अगर होना, अगर पति एक पत्नी से बोले वो उसी पत्नी से मिल करके आती आता हूँ, आप बताओ दूसरे पत्नी क्या बोलेगी, बोले जाओ तो वहीं पर जाना, खाना नहीं मिलेगा तुमको, यहाँ पर तुमको खाना नहीं मिलेगी, फिर रोटी तो फेंक करके देगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी। इसलिए जगन्नाथ जी कोशिश करते हैं लक्ष्मी को 15 दिन के लिए मनाने के लिए, क्योंकि ये कम से कम मेरे को आदेश दे दे एक बार मैं वृंदावन जाऊँ और मैं ब्रजवासियों से मिलूँ, क्योंकि ब्रज का जो प्रेम है वो शुद्ध निर्मल है, जहाँ पर संपूर्ण निष्काम प्रेम है और दुनिया प्रेमी चाहते हैं, दुनिया प्रेमी चाहते हैं और क्या चाहते हैं, प्रेम तो चाहते हो ना, क्या चाहते हैं, प्रेमी चाहते हैं। और देखना जहाँ पर ज़्यादा प्रेम होना वहीं सबके सब जाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन पहले उन्होंने बुखार का लीला करते हैं और लक्ष्मी को खूब बैठ बैठ कर उसको मनाते हैं, हैं उसको खूब मनाते हैं, मेरे को एक बार आदेश दे दे एक बार मैं जा करके ब्रजवासियों से मिल करके आऊँ। इसलिए ये जो रथ यात्रा नहीं मान, ये ब्रज गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी अपना हृदय में श्री कृष्ण को बैठा करके उनको द्वारका से ले जाते हैं वृंदावन, यही रथ यात्रा है। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे जगन्नाथ जी साल में एक बार आते हैं सुंदराचल वृंदावन, इसलिए वो जो मंदिर है जो गुंडीचा मंदिर वो एक साल तक वैसे ही पड़ा रहता है, पड़ा रहने पर वो मंदिर हो जाता है, गंदा हो जाता है, वहाँ पर धूल कंकड़ आदि जम जाती है। इसलिए जगन्नाथ जी आने से एक दिन पहले, पुरी गए हो, कौन कौन पुरी गए हैं, गए हो पुरी, हाँ, अब देखना ठीक जगन्नाथ जी आने से एक दिन पहले वो मंदिर को साफ सुथरा होता है। इसलिए जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु थे वो मंदिर को पहले पुरी का राजा वो नौकरों को द्वारा साफ सुथरा करवाया करते थे, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए बोले जहाँ मेरे प्रभु बैठेंगे, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण बैठेंगे, बोले श्री रमण बिहारी की जय। इसलिए जहाँ पर स्वयं भगवान
अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक जहाँ पर बैठेंगे कहते उसको थोड़ी नौकर से थोड़ी साफ होता है, नौकर से थोड़ी साफ होता है। कहते वो वृंदावन धाम है और राधा रानी के निकुंज मंदिर है, वो राधा रानी के निकुंज मंदिर है और निकुंज मंदिर को थोड़ी उसको नौकरों को पैसा दे दिया, पैसा दे करके साफ सुथरा कर दिया, नहीं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा देते हैं भैया पैसा लेकर कभी सेवा नहीं होती है। पैसा ले लिया तो हो गया, प्रहलाद महाराज के तो सब ही बणी कह तो बढ़िया हो गए, फिर वो थोड़ी भक्ति भाव बढ़िया हो गया। पैसा दिया माल फेंको और तमसा देखो, 100 रुपया दिया 100 रुपया का माल ले लिया, बस हो गया खत्म, खेल खत्म हो गया। इसलिए भैया पैसा दे करके प्रभुपाद कहते हैं वो भृत्यक सेवक है, जो पैसा ले करके जो सेवा होता है वो सेवा सही सेवा नहीं है। इसलिए जहाँ जिस निकुंज मंदिर में हैं, जिस निकुंज मंदिर में कृष्ण आकर के बैठेंगे, जिसको राधा रानी स्वयं अपना हाथों से जो निकुंज मंदिर को सेवा करती हैं, निकुंज कौन बनाती हैं, कृष्ण जहाँ पर आए वो निकुंज मंदिर को बनाने वाले कौन, बोले स्वयं श्री राधा रानी, वो अपना हाथों से फूल की निकुंज बनाती हैं, फूल की सज्जा बनाती हैं, लता पताओं को देख करके निकुंज स्वयं श्री राधा रानी बनाती हैं, हैं। और समस्त ब्रज गोपियाँ ललिता विशाखा चंपकलता रूपमंजरी रद्दी मंजरी लवंग मंजरी ये लोग निकुंज मंदिर को साफ करते हैं, निकुंज मंदिर बनाते हैं। लेकिन राजा नौकर से सेवा कराया करता था, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए बोले जहाँ पर हमारे प्रियतमा आएंगे, जहाँ पर हमारे प्रभु आएंगे उसको आप पैसा दे करके नौकरों से सेवा करवाओगे, भैया नौकरों से सेवा नहीं होती है। सेवा तो होती है प्रेम से, कैसे होती है, प्रेम से सेवा होती है, पैसा से सेवा नहीं होती है। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोले ये सेवा को मेरे को दो, ये सेवा मेरे को दो। कि कौन सा सेवा है, बोले झाड़ू लगाने का सेवा। हम कहते हैं ना जमादार, जमादार कहते हैं ना जो झाड़ू लगाते हैं जमादार है, हैं। और हमारे देश में तो उनको बड़े निकृष्ट सेवा मानी जाती है, झाड़ू लगाने का सेवा को निकृष्ट सेवा मानी जाती है। इसलिए महाप्रभु कौन, स्वयं कृष्ण राधा कृष्ण, लेकिन कौन सा सेवा को प्रार्थना कर रहे हैं, बोले भैया हमें झाड़ू लगाने का सेवा दे दो, जमादार की सेवा हमें दे दो। इसलिए भैया भक्ति जगत में जो सेवा जितने छोटा होता है ना, वो सेवा को उतना ज़्यादा महत्व मानी जाती है, हैं, वो सेवा को उतना महत्व मानी जाती है। इसलिए हमारे श्यामानंद प्रभु राधा रानी की जो चरण की नुपुर कैसे मिली, कौन सा सेवा करते करते नुपुर मिली है, झाड़ू सेवा ना। गुरुदेव ने जीव गोस्वामी बोले जाओ राधा रानी का निकुंज मंदिर है, रोज यहाँ पर झाड़ू लगाओ। अभी भी ए बच्चों इधर तो खेलना नहीं, चुप बैठ जा सबके सब। इसलिए जाओ बोले वहां पर जाकर के क्या करो, झाड़ू लगाओ। और श्री श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास क्या करते थे, वृंदावन की निकुंज में झाड़ू लगाया करते थे और राधा रानी के नाम को ले लेकर के रोया करते थे, बोले हे राधे रानी कब इसको ऊपर आप कृपा करोगे, हे राधे हमारे ऊपर में कब कृपा होगी। और ब्रजमंडल में झाड़ू लगाया करते थे और वो धूल संपूर्ण शरीर में वो धूल लगता था, इसलिए जो ब्रज का जो धूल है वो साधारण धूल नहीं। इसलिए बंगला में कहते हैं धूला न है धूली न है, ब्रज गोपी पद रेणु ये रेणु मेखे चिलो नंद बेटा रखानु। कहते भैया ब्रज का धूला धूली नहीं है, वो क्या है, बोले राधा रानी की ये चरण धूली, जिसको स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण जिस धूली से भगवान स्वयं जिस धूली में स्नान किया था, जिस धूली को हम अपना सर पर लगाते तिलक रूप में, जिस धूल को हम लगाते उद्धव जिस धूली के लिए, उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिस धूली के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी वो धूली के लिए प्रार्थना करते हैं। सबका बात छोड़ दो, कृष्ण भी उसी धूली में स्नान करते हैं, इसी धूली में कृष्ण स्नान करते हैं। केवल श्री श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास, राधा रानी की कृपा उनको मिली कैसे,
कि बोले झाड़ू लगाते लगाते उनको ये सेवा की प्राप्त हुई। इसलिए भैया भक्ति जगत में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए जो व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगाते हैं ना, जो व्यक्ति मंदिर की सफाई करते हैं, हैं सबसे पहले हमारे गुरु जी की हमारे मंदिर में जो कोई आते हैं ना, सबसे पहले उनको गुरु जी झाड़ू लगाने का सेवा देते हैं। मंदिर झाड़ू दो, मंदिर की झाड़ू दो। बोले मंदिर क्या है, ये मंदिर है क्या चीज? प्रभुपाद कहते हैं ये गौड़ीय मठ नहीं है, ये रमण बिहारी को। ए बच्चों बात नहीं करना, इसलिए यहां पर कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते ये गौड़ीय मठ नहीं, बल्कि ये क्या है? बोले गोलोक वृंदावन से राधा रानी का जो निकुंज मंदिर को मैंने गोलोक वृंदावन से मैंने इस मर्त्य जगत में राधा रानी के निकुंज मंदिर को मैंने ही उतार दिया है। ये निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ पर उतार दिया, क्योंकि वो निकुंज मंदिर में वृंदावन में जो जो सेवा होती है, देखो यहाँ पर वही सेवा होती है। सबर जैसे मंजरी सखियाँ उठ करके क्या करती है, नहा धो करके तिलक लगा करके कहते मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्णेर जुगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदय मंगल आरती जागे भक्त हृदय। इसलिए गोलोक वृंदावन में मंजरी सखियां क्या करती, मंगला आरती करती है राधा कृष्ण को। देखो यहाँ पर भी यही होती है, हैं? ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में भी यही होता है, यहाँ पर भी सखी मंजरियां क्या करती हैं, यहाँ पर सबके सब यहाँ पर ठाकुर जी की मंगला आरती करते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन में सखियां ठाकुर जी के लिए माला बनाती हैं, इसलिए हमारे पद्मनाभ महाराज जी यहाँ पर भी सभी लोगों को बोले माला बनाओ, यहाँ पर माला बनाओ, हाँ जोर से ताली बजाओ महाराज जी। महाराज बोले बोले यहाँ पर उन्होंने बोले सबके लिए ठाकुर जी के लिए फूलों की माला यहाँ पर बनाओ। जैसे वहाँ पर राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण के लिए रसोई बनाती हैं, यहाँ पर भी भक्त लोग ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं। इसलिए जो जो काम वहाँ पर होती है ना गोलोक वृंदावन में, प्रभुपाद ने बताए मैंने वो गोलोक वृंदावन को मैंने ये गौड़ीय मठ रूप में स्थापन कर दिया है, हैं? ये गौड़ीय मठ नहीं राधा रानी की निकुंज, ये मंदिर राधा रानी की। इसलिए कहते जो झाड़ू लगाने का जो सेवा है ना, इसकी बड़ी महत्व है झाड़ू लगाने का सेवा। केवल उन्होंने झाड़ू लगाते लगाते ही राधा रानी के चरण के नुपुर, केवल झाड़ू लगा लगा करके राधा जी के चरण को नुपुर उन्होंने प्राप्त किया, कुछ सेवा नहीं किया, केवल झाड़ू लगा लगा करके राधा रानी की चरण के नुपुर सेवा किया। जगन्नाथपुरी में देखो झाड़ू लगाने का कितना महत्व है, कितने महत्व है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, कहते नाम हाट का मैं झाड़ूदार हूँ। वो अपना परिचय देते हैं मैं क्या हूँ, बोले जो नाम हाट का मैं झाड़ूदार हूँ। और हमारे श्री प्रभादानंद सरस्वती क्या कहते हैं, बोले चत किं करिषु बहुशः खड़ुकाकु वाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौले जस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केली कुंज भवनांग निमार्जनी श्याम। ये प्रभुदानंद सरस्वती का ये भावना है, क्या भावना है, क्या कभी ऐसे सौभाग्य होगा, बोले क्या सौभाग्य चाहते हो, कौन सा सौभाग्य प्रार्थना कर रहे हो? बोले जिस निकुंज मंदिर में राधा रानी मान करके बैठी हुई, वो कहती हैं आज मैं किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता, चाहती हूँ सब काले व्यक्ति को दूर में रहो। और कृष्ण आकर के जो राधा रानी बाहर मंजरी सखियों को खड़ी कर दिया, बोले कृष्ण को यहाँ घुसने मत दिया करना, लेकिन कृष्ण आकर क्या करती हैं, वो मंजरी सखियों के चरण में प्रार्थना करती हैं मेरे को थोड़ी सी ये निकुंज में प्रवेश करने का अधिकार मिले। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं क्या कभी मेरी ऐसे सौभाग्य होगा,
जिस राधा रानी की निकुंज मंदिर को सखी मंजरिया जिसमें झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू का एक क्या मैं कभी सलाका बन पाऊंगा, एक उसकी सलाका बन पाऊंगा। कौन प्रार्थना कर रही है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब राधा रानी की जो झाड़ू की ना इतने सेवा। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए तो महाप्रभु को साथ में प्रताप रुद्र मिलना चाहते हैं। प्रताप रुद्र महाप्रभु बल में किसी विषयी व्यक्ति से, राजा से मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। मैं मिलना नहीं चाहता हूँ विषयी व्यक्तियों से, क्योंकि ये भोगी आदमी है जिनको देखने से मेरे हृदय में भी ये भोग की वासना जगेगा, मैं किसी भोगी से मिलना नहीं चाहता हूँ। इतने में राजा तो बड़े दुखी हो गए, कहते मैं महाप्रभु से अगर नहीं मिल पाऊंगा तो मैं कान में कुंडल धारण करते हुए सन्यास लेकर के मैं चला जाऊंगा, हैं? बड़े दुखी हो गए। लेकिन वहां पर नियम है, कहते वहां का नियम है। बोले वहां का क्या नियम है? बोले वहां का नियम है जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता है ना, बोले से सियावर रामचंद्र की, इसलिए वहां पर कहते सियावर रामचंद्र, राधा रमन रामचंद्र, राधा रमन रामचंद्र प्रभु की जय। इसलिए वहां पर एक नियम है, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, आप लोग गए देखे होंगे, रथ यात्रा से पहले राजा क्या करता है? झाड़ू लेकर के झाड़ू देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए, ये कैसे राजा ये रथ यात्रा कैसे मनाता है? वो गए दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए गए, देखा राजा स्वयं राज वेश को परित्याग करते हुए और साधारण धोती और कुर्ता पहन करके झाड़ू लेकर के राजा स्वयं झाड़ू देता, राजा स्वयं झाड़ू देता वहां पर। महाप्रभु देख करके बोले उत्तम हैया करे अधम सेवन, अतएव तुम्ही हो जगन्नाथ रे कृपा भाजन। कहा राजा देश का और काम क्या कर रहा है? झाड़ू। झाड़ू का काम कौन करता है? झाड़ूदार करता है ना, झाड़ूदार करता है, हैं? झाड़ूदार जो एकदम छोटे जाति के व्यक्ति करते हैं, लेकिन कहाँ राजा होकर के झाड़ू लगा रहे हैं। केवल इतनी सी सेवा से राजा प्रसन्न हो गए, इतनी सी सेवा से महाप्रभु प्रसन्न हो गए। और महाप्रभु बोले थे इसको मैं दर्शन नहीं दूंगा इसको, लेकिन केवल झाड़ू सेवा देकर दर्शन हो गया। देखो क्या फल हुआ, ये झाड़ू लगाने का कितने महत्व, देखो। तब उन्होंने किया, कैसे झाड़ू लगाने का कितना फल मिला उनको, हैं? कितना फल उनके मिले झाड़ू लगाने का। जब उन्होंने रथ यात्रा का समय में महाप्रभु सात दल में हो करके वहां पर नृत्य कीर्तन करते थे, लेकिन वहां प्रताप रुद्र राजा भी वहां पर गए। जब प्रताप रुद्र राजा गए, इन्होंने ये लीला को किसने नहीं देखा, केवल प्रताप रुद्र राजा देखा। उन्होंने क्या देखा? ये सात दलों में महाप्रभु सात रूप धारण किए हुए, और उन्हें सात रूप धारण करते हुए महाप्रभु सब दल में कीर्तन कर रहे हैं। इधर देखे तो चैतन्य महाप्रभु, उधर देखे तो चैतन्य महाप्रभु, उधर देखे तो चैतन्य महाप्रभु, इधर देखे तो चैतन्य महाप्रभु, चारी तरफ में महाप्रभु महाप्रभु को दर्शन किया। लेकिन ये लीला किसने भी नहीं देखा। इतने में महाप्रभु ने उन्होंने सार्वभौम को भट्टाचार्य को बोले मैं क्या देख रहा हूँ? बोले क्या देख रहे हो? बोले महाप्रभु सब दल में कीर्तन कर रहे हैं, सात दल में, जैसे कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, जैसे रासलीला करते हैं। उन्होंने देखा महाप्रभु को सात दल में सात रूप लेकर कीर्तन कर रहे हैं, और सार्वभौम को बोले मैं क्या देख रहा हूँ? तब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले देखो महाप्रभु की तुम्हारे ऊपर कृपा है, तुम्हारे ऊपर महाप्रभु की कृपा है, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा है, और किसको नहीं दिख रहा है ये तुमको ऊपर में, क्योंकि ऊपर ऊपर से क्या कर रहे हैं लोग शिक्षा के लिए। महाप्रभु बोले मैं राजा से नहीं मिलूंगा, लेकिन केवल झाड़ू लगाने का सेवा देख करके महाप्रभु संतुष्ट हो गए, और सर्वत्र उन्होंने उनको दर्शन दिया। कहते ये कृपा हुई। दूसरी कृपा क्या हुई? जब जगन्नाथ जी की रथ को लेकर के वहाँ पर एक है उद्यान है, जिसका नाम कहते जगन्नाथ बल्लभ वाटिका,
जिसका नाम मतलब जहाँ पर हर तरह का पेड़ पौधा फल फूल से एकदम भरा पड़ा हुआ होता है और वहीं से सारे फूल, तुम अभी गया तो नहीं टाइम नहीं, इसलिए जहाँ पर उन्होंने देख उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर फल वहीं के सारे फल फूल से श्री जगन्नाथ जी का सेवा होता है, इसे उसका नाम है जगन्नाथ बल्लभ वाटिका है, जगन्नाथ बल्लभ बड़ी सुंदर वो वाटिका है और वहाँ पर श्री राय रामानंद का भजन कुटीर भी वहीं पर, भजन कुटीर भी वहीं पर है। लेकिन जब जगन्नाथ जी को लाते हैं वहीं पर जगन्नाथ जी वहीं पर रह करके कुछ समय तक रहते हैं और जगन्नाथ जी को बड़ी सुंदर सुंदर कितने तरह तरह का चीज जगन्नाथ जी को भोग लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पर आ करके, क्योंकि महाप्रभु को जो भावना है सही तो प्राण नाथ पाई नो जहाँ लागी मदन दहन जुड़ गए, महाप्रभु का भाव क्या है बोले बड़े दिनों को बाद में वही मेरे जो प्राण प्यारे जो श्याम सुंदर को मैंने बड़े दिनों को बाद में मैंने दर्शन किया है। इसी भाव से राधा रानी क्या करती हैं कृष्ण को अपना हृदय रूपी रथ में बैठा लेती हैं और बैठा करके उनको कहाँ से कहते उनको द्वारका से ले जा रही हैं वृंदावन हैं, इनकी महाप्रभु का भावना यही है। और उसी भाव से महाप्रभु आ करके जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में महाप्रभु उसी भाव से राधा रानी की भाव से लेट हुए हैं। लेकिन इतने में सार्वभौम भट्टाचार्य हैं और जितने महाप्रभु का परिकर लोग थे इतने में श्री राजा को बोले बोले राजा जी अब जल्दी जल्दी राज पोशाक को त्याग दो, त्याग दे करके अभी महाप्रभु राधा जी की भाव में विभावित होकर के लेट हुए हैं, आप महाप्रभु के चरण की सेवा करो, चरण की सेवा करो और गीत गो और श्री कौन सा कहते श्री इसको गोपी गीत को तुम गाया करो। अभी प्रताप रुद्र क्या कर रहे हैं महाप्रभु के चरण की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने गोपी गीत को गा रहे थे, बोले जयति ते धिकम जन्मना ब्रज प्रयते दीक्षता सुता अवता कोई धृता थे। अभी महाप्रभु को चरण सेवा करते हुए प्रताप रुद्र गोपी गीत गा रही, लेकिन गोपी गीत वो गाते गाते बोले राधा रमण लाल की, लेकिन गोपी गीत को गाते गाते जब उन्होंने तब कथा मृतम तब तीवनम जब ये श्लोक आया ना, इतना सुनते ही महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न महाप्रभु हो गए जब उन्होंने बोले भूरी दा जना, जगत में सबसे बड़े दानी कौन है बोले जो कृष्ण कथा को दान करते हैं, कृष्ण कथा को जो दान करते जगत में सबसे बड़ा वही दानी है। जब उन्होंने भूरीदा जना बताया ना, इतने में महाप्रभु ने आंख बंद किए हुए आंख नहीं खोले, क्यों प्रताप रुद्र पर कृपा करना चाहते हैं ना, आंख खुली जाएगा तो पता चल जाएगा प्रताप रुद्र है, इसलिए ऊपर से उन्होंने तो बोलते दर्शन नहीं दूंगा लेकिन हृदय से उनको दर्शन देना चाहते हैं, इसलिए महाप्रभु राजा को आलिंगन कर लिया, भूरीदा जना मतलब जगत में सबसे बड़े दानी वही है जो कृष्ण कथा को दान करते हैं, इतने प्रसन्न हो गए। देखो इसका फल क्या हुआ है, किसका फल ये है झाड़ू लगाने का फल, केवल झाड़ू लगाने का फल ये है, महाप्रभु स्वयं जिनकी चरण की सेवा भी प्रदान की और जिन्होंने गोपी गीत भी उनसे सुने और चरण की सेवा को उन्होंने ग्रहण किए और उनका आलिंगन भी किया है, बोले किसका फल ये है झाड़ू लगाने का फल है। इसलिए भैया भक्ति जगत में झाड़ू लगाना है ना, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो मंदिर में, इसलिए हमारे गुरु जी के मठ में सबसे पहले जो आएगा ना बोले सबको झाड़ू लगा, सब बोले झाड़ू लगा, मंदिर में तो झाड़ू लगाते हैं मंदिर में, लेकिन झाड़ू कहाँ लगी जाती है बोले चेत दर्पण मार्जनम, इसलिए महाप्रभु स्वयं
कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, वो जाकर क्या कर रहे हैं महाप्रभु, झाड़ू लगा रहे, गुंडचा मंदिर के झाड़ू, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, नारद, ब्रह्मा, शंकर स्वयं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। इसलिए भैया मंदिर में झाड़ू लगाने का कोई साधारण बात नहीं, मंदिर में तो झाड़ू लगाएगी लेकिन झाड़ू कहाँ लग जाएगी, अपना हृदय में झाड़ू लग जाएगी, अपना हृदय में। इसलिए महाराज ने जो झाड़ू लगाने की जो सेवा बताई ना, कहते उसको बहुत पहले एक पुरुषोत्तम जैना थे जिसको साथ में कांची राजा की बेटी की शादी होने की बात थी, वो देखने के लिए आए हमारे दामाद क्या करता है। उनने सुना जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और आ करके देखा दामाद झाड़ू लगा रहा था। बोलिए कि झाड़ूदार से अपना बेटी को शादी दूंगा क्या, दुनिया में मेरी नाखन कटवाएगा, भैया झाड़ूदार से मैं शादी नहीं दूंगा। वो शादी की बात तय हो गया था, उन्होंने बंद कर दिया। पूरी राजा ने नौकर को भेजा कि दूत को पूछो बात क्यों बंद कर दिया। उसने बोले भैया मैं देखने के लिए गया था, देखा वो मेरे दामाद बनने वाला वो झाड़ू लगा रहा है, भैया झाड़ूदार से शादी नहीं दूंगा अपना बेटी को। राजा को तो बड़ा अपमान बोध हुआ, बोला हाँ मैं तो झाड़ूदार हूँ लेकिन किसका झाड़ूदार हूँ, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक जगन्नाथ जी का झाड़ूदार, स्वयं बलदेव जी जिनकी सेवा करते हैं, स्वयं लक्ष्मी जिनकी चरणों को हर समय दबाती रहती है, राधा रानी जिनकी हर समय में जिनकी सेवा करती हैं, कद झाड़ूदार तो मैं जगन्नाथ जगतपति जगन्नाथ जी का झाड़ूदार हूँ। बोले ठीक है, तो उन्होंने खबर भेज दिया कांची राजा के पास में, कल मैं दल बल को साथ में मैं युद्ध करने के लिए आऊँगा और तेरे को परास्त करके तुम्हारी जो राजकुमारी का ना झाड़ूदार से मैं शादी कराऊँगा। एक खबर भेज दिया और राजा गए, घमासान युद्ध हुई, लेकिन उसका इष्ट देव थे गणेश, उसका गोद में एक सिद्धि देवी थी, उसके अंदर में चमत्कारिता ये थी राजा जितने सैनिक मारते थे वो उतना सैनिक उसी समय में प्रसव कर देते थे, उतना सैनिक प्रसव कर देते थे। राजा युद्ध करते 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 रात हो गया लेकिन परास्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने वापस आए जगन्नाथ जी को बोले देखो जगन्नाथ जी, और उनका अंदर में शर्त था, उनका इष्ट था भंड गणेश और इनका इष्ट था जगन्नाथ जी, शर्त था जो हार जाएगा उसका इष्ट जाकर के उसकी इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा। बोले देखो जगन्नाथ जी, ये युद्ध मेरे लिए नहीं, युद्ध तुम्हारा लिए है, अगर मैं हार जाऊंगा ना याद रखो आपको जाकर के गणेश जी को पीछे बैठना पड़ेगा। और मैं युद्ध करने क्यों गया है, क्योंकि मेरे को उसने बताया झाड़ूदार, मैं तो झाड़ूदार हूँ लेकिन किसका झाड़ूदार, तेरा मैं झाड़ूदार हूँ, जगन्नाथ जी का मैं झाड़ूदार, याद रखना। जगन्नाथ जी स्वप्न में प्रकट हुए, बोले कोई चिंता मत करो, कल मैं स्वयं तेरे साथ में युद्ध करने जाऊंगा, स्वयं कृष्ण बलराम। पूरी गए ना हम लोग ने, जो दक्षिण दर्जा में जाओगे ना देखना वहाँ कृष्ण बलराम बैठे हुए दोनों घोड़े के ऊपर में, दोनों भैया एकदम ब्रह्म मुहूर्त से पहले घोड़े के ऊपर बैठ करके ना, कि काले घोड़े के सफेद घोड़े बैठ करके स्वयं युद्ध करने के लिए चल पड़े। चलते चलते थोड़ी दूर गई तो भूख लग गया, देखा है क्या ग्वालिनी ग्वालिनी वो दही बेच रही थी। बोले माता जी बड़े भूख लग रहा है, दही पिलाओगी, देख करके बड़े बड़े सुंदर है, एक गौर रंग के एक श्याम रंग के, बोले तुमको नहीं पिलाऊंगी तो मैं किसको पिलाऊंगी, वो तो पहले तो मक्खन चोर है, दही खाते खाते तो आदत बना हुआ, उसकी जितने दही था ना सारे दही खा लिए दोनों भाई। बोले पैसा दो, जब पैसा की बात आए ना वो झांकने लग गए, बोले क्या झांक रहे हो, पैसा दो, दही पहले खा लिया पैसा दो। बोले पैसा तो है ही नहीं, बोले पहले विचार नहीं किया तुमने सारे दही खा ली, ये दही से मैं अपना संसार को पालती हूँ दही से, तुमने तो पहले सोचा ही नहीं। तब उन्होंने बोले देखो तुमको एक मुद्रिका हम देते हैं, वो हीरे का था। बोले पीछे पुरुषोत्तम जैना राजा आ रहे हैं, उनको ये मुद्रिका दिखा करके बोलना तुम्हारे दो सैनिक गए हैं युद्ध करने के लिए, ये मुद्रिका को दिखा देना वो दे देंगे। राजा पीछे आए, ग्वालिनी खड़ी हो गई, बोले महाराज खड़े रहो, रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्या बात है, बोले तुम्हारी दो सैनिक दो घोड़े के ऊपर में काले और श्याम घोड़े के ऊपर में वो गए आगे गए और सारे दही खा लिए। राजा को तो पता नहीं जगन्नाथ बलदेव दोनों युद्ध करने के लिए गए,
बोले भैया हमारा कोई सैनिक गए नहीं। बोले नहीं, उसका निशान है क्या? बोले बोले लोग ये मुद्रिका देखो, मुद्रिका वो जगन्नाथ जी को राजा ने धारण कराया था, वो हीरे की थी। ये ग्वालिनी हीरे की क्या महत्व समझती है? सोचा कोई पत्थर देकर चले गए। जो हीरे की मुद्रिका जगन्नाथ जी का नाम लिखा हुआ, राजा स्वयं जगन्नाथ जी को धारण कराया था, देख करके ना उतर गए और ग्वालिनी के चरण में गिर पड़े। बोले तू बड़ी भाग्यवती हो, वो दो राजकुमार नहीं स्वयं जगन्नाथ बलदेव गए, तुम्हारी तुम्हारी दही खाए, तुम कितने सौभाग्यवती, स्वयं भगवान जगतपति जगन्नाथ ने तुम्हारी दही को खाए, कितने सौभाग्यवती। बोले यहाँ से खड़े होकर देखो जितने दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है, यहीं का आज से तुम रानी बनोगी। और हीरे जवाहरात से उसकी झोली राजा ने भर दी, उसकी झोली भर दिए। अभी भी वो स्थान का नाम है मानकी पाटना, ये ग्वाली का नाम थी मानकी। जब राजा गए, कृष्ण बलराम स्वयं युद्ध कर रहे थे, लेकिन जितने सैनिक को मारे ना वो सिद्धि देवी की, उतना सैनिक प्रसव कर रही है जगन्नाथ जी का। ये क्या है, जितना मार रहा हूं ये कहां से आ रहे हैं? देखा वो गणेश जी का चमत्कारिता है। इतने में जगन्नाथ जी उठाया धनुष, बोले गणेश जी को, बोले गणेश जी अब ये सैनिक बंद करना, प्रसव करना बंद करता कि नहीं, तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। जब उन्होंने जगन्नाथ जी गणेश जी को पर धनुष उठाए ना, अभी भी आप जाकर के देखोगे ठीक जगन्नाथ जी को पीछे वो भंड गणेश है, उनकी गोद में वो देवी बैठी हुई, गोद में वो देवी बैठी हुई। तब उन्हें सैनिक प्रसव को बंद करते ही राजा ने क्या की, जगन्नाथ जी ने राजा को बंदी बनाया। बंदी बना करके वहां से चार चीज लाए थे, हैं कहते जो मयूर सिंहासन है जिसको ब्रिटिश ले गए, और जो हमारे जो जो गंभीरा में जो ठाकुर जी राधा का था ठाकुर जी लाए, और तीसरी चीज लाए भंड गणेश, चौथा चीज राजकुमारी, क्योंकि बोले थे ना तुम्हारी राजकुमारी को मैंने झाड़ूदार से शादी दिलाऊंगा, और राजकुमारी को ला करके उन्होंने दे दिया मंत्री को। बोले महामंत्री कोई अच्छे झाड़ूदार से इसकी शादी करा देना, मंत्री तो चक्कर में पड़ेंगे, राजा रानी बनने वाली थी, कहते किसी अच्छे झाड़ूदार से, राजकुमारी अच्छे झाड़ूदार से कहाँ से शादी दूँ? तो उन्होंने मंत्रियों को साथ में मीटिंग करके बोले ये काम करो, ये राजकुमारी को छुपा करके एक साल तक रख लो, एक साल के बाद में फिर रथ यात्रा आएगी, राजा फिर झाड़ू लगाएंगे, उसी समय में राजकुमारी को दुल्हनी बना करके राजा से शादी करा देंगे। जब फिर एक साल के बाद में फिर राजा झाड़ू दे रहे थे, ये राजकुमारी को सजा धजा करके गाजे बाजे को साथ में बोले जा माला लेकर राजा की गले में डाल दो। जब राजा की गले में डाले, राजा बोले महामंत्री मैंने कहा था किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी करने के लिए। बोले महाराज आपसे बढ़िया झाड़ूदार कहाँ से मिलेगा, आपसे बढ़िया झाड़ूदार कहाँ से मिलेगा, आप कृपा करके इनको स्वीकार करो। देखो इसका मतलब क्या, झाड़ू लगाने का कितना महिमा, झाड़ू लगाने का कितना महिमा, स्वयं जगन्नाथ बलदेव भी वो युद्ध करने के लिए राजा के लिए जाते हैं केवल इसी झाड़ू लगाने की सेवा दे करके। इसलिए आज स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने प्रताप रुद्र से कौन सा सेवा मांगे, कोई बड़ी सेवा नहीं मांगे, बोले झाड़ू लगाने का सेवा दे। इसलिए जो व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगाते हैं ना बड़े भाग्यवान, इसलिए रोज झाड़ू लगाएगा मंदिर में आकर के, रोज झाड़ू लगाओ, अब मंदिर को रोज यहाँ पोछा लगाओ, ठीक है ना, मंदिर की पोछा लगाओगे झाड़ू लगाएंगे। जैसे श्यामानंद प्रभु को राधा जी के चरण की नुपुर मिली हैं, और महाप्रभु श्री राजा को महाप्रभु मिले और राजा को श्री जगन्नाथ जी मिले, इसलिए अभी जगन्नाथ जी रथ यात्रा आ रहे हैं, महाराज लोग आपको बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुंदर सुंदर लीला कथा सुनाएंगे। जब मैंने सबसे पहले मथुरा में आया, उसको पहले मैं पुरी में रहता था, पुरी में वहाँ पर 6 साल तक था, जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन किया। लेकिन जब मैं पहला साल में आया कहाँ पर, मथुरा में, हमारे महाराज जी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज इसी रथ यात्रा को जब जगन्नाथ जी आए गुंडीचा मंदिर मार्जन से लेकर के, जब जगन्नाथ जी वापस आएंगे उसी दिन तक, समझो करीब करीब 15 दिन तक गुरुजी केवल जगन्नाथ जी रथ यात्रा की कथा सुनाए,
मेरी ये अनुभूति है, मैंने देखा जगन्नाथ जी को, मैंने हर साल दर्शन करता था, रथ टांगता था, लेकिन गुरु जी की कथा सुन करके मेरी जो उपलब्धि हुई है, साक्षात जगन्नाथ जी को दर्शन करके मेरी जो उपलब्धि होती थी रथ यात्रा के बारे में जो अनुभूति, जब गुरु जी से मैंने कथा सुनी ना, मेरे को पता लगा सचमुच से जगन्नाथ जी रथ यात्रा किससे कहते हैं। उससे हजार गुण ज़्यादा मेरे को जैसे अनुभूति हुई है, सचमुच से आज ही रथ यात्रा की फल हमें प्राप्त हुआ है। क्यों? गुरु जी की कथा। इसलिए कहते हैं ना, जाओ भागवत पर वैष्णव स्थाने हैं, इसलिए जो कुछ करे करो है, कहते हैं ना, गौरव अमार जैसव स्थान करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हैरव आमी प्रणय भगत संगे। तीर्थ यात्रा अकेले नहीं, किसी प्रेमी की भक्तों की आनुगत्य में करो, फिर तो उसकी विशेष आनंद मिलेगा। क्यों? जब कथा सुनेंगे ना, कथा से ही हृदय में ये चीज उपलब्धि होती है, कथा वगैरह सुना सुना लगता है सब। इसलिए यहाँ पर महाराज लोग वैष्णव लोग आपको रथ यात्रा प्रसंग को हैं बहुत अच्छे तरह से सुनाएंगे। गुरुदेव ने जब कथा सुनाई तो अगर मिलेगा, अगर रिकॉर्डिंग होगा तो संपूर्ण हैं भ्रमर गीत, गोपी गीत, वेणु गीत, सारे गीत को गुरुदेव ने ये रथ यात्रा में ना सबको गुरुदेव ने सारे कथा रथ यात्रा में सुना दिए। ऐसे कोई चीज़ नहीं जो रथ यात्रा में है नहीं, सब चीज़ है। इसलिए जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है इसके विशेष विशेष महत्व है। बोले जय जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा, सुदर्शन चक्र की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल की। रामचंद्र को कुछ बोलेंगे? बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्री श्री प्रसाद ले जाओ सब। जय श्री श्री गुरु रंगन देव जी का।